पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनावों से ठीक पहले कांग्रेस ने अपना एक बड़ा दांव खेल दिया है। कांग्रेस ने चुनावों के ठीक दो दिन पहले एक मैनिफेस्टो जारी किया जिसमें कई बड़े बड़े वादे किए गए, लेकिन इस घोषणा पत्र में सबसे बड़ा वादा ये था कि अगर 2022 में पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनती है तो युवाओं को 1,00,000 सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज की खास रिपोर्ट और मैं हूं अदिति गुप्ता आपके साथ। 117 विधानसभा सीटों वाले पंजाब में 20 फरवरी को विधानसभा चुनाव 2022 का आगाज होने वाला है, लेकिन चुनावों से ठीक दो दिन पहले कांग्रेस ने एक बड़ा दांव खेला और अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने घोषणा पत्र जारी किया जिसमें कई बड़े बड़े वादे किए गए थे। इस घोषणा पत्र में कांग्रेस ने महिलाओं का भी ध्यान रखा जिसमें कहा गया कि महिलाओं को साल भर में 8 रसोई गैस के सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे, साथ ही साथ महिलाओं को 1100 रुपए प्रति माह भी दिया जाएगा। तो पंजाब के घोषणा पत्र में क्या है खास बताएंगे आपको आज। 2022 में अगर पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनती है तो पंजाब सरकार महिलाओं को 1100 रुपए प्रति माह देगी और ये मदद 15 साल की लड़कियों से ही शुरू हो जाएगी। इसके अलावा 10वीं और 12वीं पास करने वाली लड़कियों को अलग से आर्थिक सहायता दी जाएगी। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ये भी वादा किया है कि अगर पंजाब में उनकी सरकार बनती है तो हर सरकारी स्कूलों से लेकर यूनिवर्सिटी में बच्चों की शिक्षा मुफ्त कर दी जाएगी। साथ ही साथ सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूल से बेहतर बनाने की कोशिश भी सरकार करेगी। इसके अलावा साल में 8 मुफ्त सिलेंडर दिए जाएंगे। हर कच्चे घर को पक्का बनाने में कांग्रेस सरकार पंजाब में मदद करेगी। इसके अलावा सभी सरकारी अस्पतालों में मरीजों को इलाज मुफ्त मिलेगा। पंजाब में जारी किए गए घोषणा पत्र में कांग्रेस ने एक और बड़ा वादा किया है कि आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र जैसे 170 सर्विस लोगों को घर बैठे ही मिलेगी, जिससे पंजाब में सरकार भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में कामयाबी हासिल कर सके। तो ये थे पंजाब में कांग्रेस सरकार के बड़े बड़े वादे जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में किए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि वाकई में अगर 2022 में पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनती है तो इन सभी वादों को पूरा किया जाएगा या एक बार फिर से सरकार बनने के बाद ये सभी वादे ठंडे बस्ते में डाल दिए जाएंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगी आपसे एक और नई वीडियो में कुछ और नई जानकारी देकर। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ हमारे चैनल पब्लिक न्यूज को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ मिलती है आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें।